और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट खल्लास। जी हाँ, एक ही क्लास में मैं आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के टोटल 42 सेक्शन के बारे में बताऊंगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन एक ही वीडियो में आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के रिगार्डिंग। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो जो इंपॉर्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कोई भी पर्सनल क्वेरी है आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दो, इंस्टाग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी पे अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो हमारे स्पेशल क्लास को फ्रीली एक्सेस करने के लिए आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा अनअकैडमी का जो प्रोफाइल लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा। आपको कोड अप्लाई करना है क्या, वो है लॉ इज लाइफ। जी हाँ, लॉ इज लाइफ विदाउट एनी स्पेस। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हम लोग इंट्रोडक्शन पोर्शन पे बात करेंगे। जी हाँ, सबसे पहला इंट्रोडक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। क्या आपको इससे पहले पता था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के पहले जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था वो कौन सा था? वो था 1877 का। अब 1877 का जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था और जो आज का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है 1963, दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में एक जो फ़र्क है वो ये है कि 1877 के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपको सेक्शन के साथ उस सेक्शन से जुड़े हुए इलस्ट्रेशंस भी आपको देखने को मिलते थे, लेकिन आज के जो प्रेजेंट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है उसमें कोई इलस्ट्रेशन नहीं दिया गया है। जी हाँ, कोई इलस्ट्रेशन नहीं दिया गया है। बात करें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के कंटेंट का, तो ये एक्ट टोटल तीन भागों में बटा हुआ, टोटल तीन भाग में है ना, और इसमें जो टोटल सेक्शन है वो सेक्शन है 1 से लेके 42 तक। अब सवाल उठता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 को बनाने के पीछे का क्या ऑब्जेक्ट रहा होगा? सबसे मूल ऑब्जेक्ट जो रहा होगा वो यही है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जो अगर ब्रीच हो जाता है, मतलब कि एक पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करता है, तो ऐसे हालात में आप उसके अपोजिट पार्टी को सिर्फ मुआवजा देके सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे दो पार्टी है ए और बी, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट किस बात के लिए हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट अगर इस बात के लिए हुआ है कि ए को 10 केजी चावल डिलीवर करना है, किसको करना है? बी को करना है, और इसके लिए बी ए को देगा 1000 रुपी। अब यहाँ पे एक बात देखो कि अगर ए ने 10 केजी चावल नहीं दिया तो इसने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि ए के तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ब्रीच। अब जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो अब इस ब्रीच के लिए बी क्या क्या कर सकता है? तो इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए बी ए से कॉम्पनसेशन, मुआवजा, डैमेज मांग सकता है, है ना, जो भी उसको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो ए से करवा सकता है। लेकिन ये तो इन जनरल टर्म हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसका मुआवजा से व्यक्ति को, पार्टी को सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता है। जैसे आइए एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ मान लो दो पार्टी है ए और बी। अगर मान लो कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और ए ने बोला कि सी के द्वारा जो पेंटिंग बनाया गया है, सी के द्वारा जो पेंटिंग बनाया हुआ है
वो हम तुमको देंगे, हम तुमको वो डिलीवर करेंगे, और इसके लिए तुमको हमको 500 यूरो देना होगा। बी एग्री हो जाता है। और एक बात जान लो, सी कोई छोटा मोटा पेंटर है नहीं, बहुत बड़ा पेंटर है, और साथ ही वो मर चुका है। तो मतलब अब ये सी जो मर चुका, जो बहुत बड़ा पेंटर है, उसके हूबहू पेंटिंग कोई और नहीं कर सकता है। और इसी पेंटिंग को डिलीवरी करने का बात किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में। ए को करना था डिलीवर बी को, और बी इसके बदले में ए को दे रहा था 500 यूरो। अब यहाँ पे अगर ए मना कर दे डिलीवरी करने से, पेंटिंग को डिलीवर करने से मना कर दे, तो दो बात समझ लो कि अब यहाँ पे बी के पास क्या क्या रेमेडी है। पहला रेमेडी एज यूजुअल उसके पास तो है ही, कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पनसेशन का क्लेम, डैमेज का क्लेम ए से कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कारण यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिससे सिर्फ कॉम्पनसेशन से बी को रेमेडी मिल जाए कंप्लीट, ये नहीं हो सकता है पॉसिबल। क्योंकि यहाँ अगर देखोगे, जिस पेंटिंग का बात किया जा रहा है, जो बी को मिलना था, वो कोई मामूली पेंटिंग नहीं था, जिसका कोई मोल नहीं था, उस नेचर का पेंटिंग था, और उस पेंटिंग को कोई और बना भी नहीं सकता था, जो बनाने वाला था वो मर चुका था। तो ऐसे हालात में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिससे कॉम्पनसेशन दे देने से पूरा न्याय नहीं हो सकता है, पूरा डैमेज की भरपाई नहीं हो सकती है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड करना ही एकमात्र रास्ता बचता है। अब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल है, जिसको परफॉर्म करना कंपलसरी है, इसके लिए दो पॉइंट याद रखना। पहला, कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच को कॉम्पनसेशन से सेटिस्फाइड नहीं किया सकता है। दूसरी बात, कि ऐसा भी हो सकता है कि उस ब्रीच को हम मेजर ही नहीं कर सकते कि उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के कारण कितना डैमेज हो रहा है। तो इस प्रकार के नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको हम लोग स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड ही करते हैं, और ये होता है। और ये जो रेमेडी मिला है माफ कीजिए, ये जो रेमेडी मिला है अपोजिट पार्टी को, जो जिसका पोजीशन सही है, वो रेमेडी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग मिला है। ये तो इसका फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, कोड अप्लाई करने पड़ेंगे आपको, बस वो कोड क्या है, वेल लॉ इज लाइफ। साथ ही साथ अनअकैडमी पे मॉक टेस्ट होता है, ये भी फ्री है, कोड अप्लाई करो, लॉ इज लाइफ, फ्री एक्सेस मिल जाएगा। आंसर राइटिंग सेशन होती है अनअकैडमी पे, बहुत ऐसी फैसिलिटीज़ है जो एक जुडिशियल एस्पिरेंट को जरूरी होता है, वो हर फैसिलिटी अनअकैडमी आपको एक ही छत के नीचे प्रोवाइड कर रही है। बहुत सारे बैचेस बनी हुई हैं अनअकैडमी पे, जैसे रैपिड रिविजन बैच बना हुआ है, जो इनिशियल स्टेज पे हैं, जिन्होंने तैयारी शुरू करी है जुडिशरी की, उनके लिए भी जुडिशरी फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन का प्राइसिंग प्लान है, वो आपके वीडियो पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये जो टोटल अमाउंट है ना, ये आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, ये आपको पे नहीं करना पड़ेगा, बस आप कोड अप्लाई करना लॉ इज लाइफ, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। हम आगे बढ़े सेक्शन को शुरू करें, उसके पहले एक इंपॉर्टेंट देखो जानकारी। जब आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पढ़ते हो तो वहां आप देखोगे लिखा हुआ जस्ट नीचे एक्ट नंबर 47 ऑफ 1963, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1963 में बनने वाला 47th जो लॉ था वो था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, है ना। अब देखो बात करते हैं सेक्शन वन का। सेक्शन वन क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, कॉमन है, आपको पता भी है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है पूरे भारत में अप्लाई होता है। अब सवाल है कि क्या आज के डेट में जम्मू कश्मीर पे लागू होता है? तो जी हाँ, जम्मू कश्मीर पे भी लागू होता है, क्योंकि अब 370 नहीं रहा, स्पेशल जो स्टेटस मिला था जम्मू कश्मीर को वो छीन लिया गया है, और अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर पे भी लागू होता है। दूसरा सवाल कि ये एक्ट बना कब? ये एक्ट बना है, आपको लिख लो इसको, इसका जो इनेक्टमेंट का डेट बता रहा है यहाँ पे वो है 13 दिसंबर 1963, और लागू कब से हुआ ये?
तो ये लागू हुआ है 1 मार्च 1964 से, 1 मार्च 1964 से लागू हुआ है। अब आगे बढ़ो, बात करते हैं सेक्शन टू का। सेक्शन टू में डेफिनेशन क्लाउज है। डेफिनेशन क्लाउज का मतलब क्या होता है कि जितने भी जो वर्ड है ना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो यूज हुए हैं, उन शब्दों का अर्थ आपको अगर समझना है तो आपको सेक्शन टू में जो अर्थ बताया गया उन शब्दों का वही होगा, उसी के अनुसार होगा। तो जैसे देखो, बात अगर हम करें ए नंबर का ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशन का मतलब हर वो ड्यूटी जो कानून के द्वारा लॉ के अकॉर्डिंग इन्फोर्सिएबल है वो ऑब्लिगेशन कहा जाएगा। बात अगर करें सेटलमेंट का, तो कहता है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट, लेकिन याद रखना यहाँ पे सेटलमेंट विल और कोडिसिल नहीं हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट में विल कोडिसिल नहीं माना जाएगा, वो सेटलमेंट है। इनके अलावा कोई भी अन्य इंस्ट्रूमेंट जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिवॉल्यूशन या डिस्पोजिशन के बारे में बात करेगा वो इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा सेटलमेंट। उसके बाद बात करते हैं सी, ट्रस्ट। ट्रस्ट को डिफाइन कर किया गया है सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, जो मीनिंग बताया गया है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का, वही मीनिंग यहाँ पे भी जो शब्द ट्रस्ट है उसका भी वही होगा। ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप लोगों को बता दूं बस। डी, ट्रस्टी का मतलब क्या, हर वो व्यक्ति ट्रस्टी है जिसने ट्रस्ट के प्रॉपर्टी को खुद के नाम पे होल्ड किया रखा है। उसके बाद ई नंबर पॉइंट, क्लॉज ई क्या कहता है, जो भी शब्द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में यूज्ड तो हुए हैं लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो फिर उन शब्दों के डेफिनेशन को हम कैसे कंक्लूड करेंगे। तो उन शब्दों के डेफिनेशन को हम समझेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ये है ई। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 3 का। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन पूरा होगा। सेक्शन 3 कहता है सेविंग क्लाउज, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियर इन, नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। देखो साफ तौर पे कह रहा है कि अगर मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ए ने कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया ब्रीच, अब ब्रीच के आधार पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अलावे अगर कोई अन्य रेमेडी भी ए के पास है जैसे कॉम्पनसेशन का, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस रेमेडी पे इस एक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो भी रेमेडी उसके पास अवेलेबल होगी और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी रेमेडी उसके पास अवेलेबल होगा। दूसरा कहता है टू इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इंटर रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए जो प्रावधान है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में, उस पर भी इस एक्ट के प्रावधान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह है सेक्शन 3। बात करते हैं आगे बढ़े और बात करते हैं आगे सेक्शन 4 का। तो सेक्शन 4 आपको साफ साफ कह रहा है कि स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट, नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पैनल लॉज। याद रखना स्पेसिफिक रिलीफ आपको ग्रांट एक ही बात के लिए होगा, आपके सिविल राइट का अगर हनन हुआ है तो उसको इन्फोर्स करने के लिए, किसी व्यक्ति को सजा दिलवाने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का आप सहारा नहीं ले सकते हैं। किसी पैनल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए आप इस एक्ट का हेल्प नहीं ले सकते। आपका सिविल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, उसको इन्फोर्स कराना चाहते हैं, तो आपके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कुछ कर सकता है और वो भी वही करेगा जो बातें जो रेमेडी इस एक्ट में दी गई हैं। तो ये हो गया सेक्शन 4। तो इसी के साथ आपका जो प्रिलिमिनरी पोर्शन था पार्ट 1 वो हो गया कंप्लीट। नाउ मूव टू दी सेकेंड पार्ट। टोटल 3 पार्ट है, पहला पार्ट कवर अप हो गया, दूसरा पार्ट अब हम लोग आगे डील करेंगे। बात करें सेक्शन 5 का, तो सेक्शन 5 क्या कह रहा है, आपके पास बेयर एक्ट है चेकआउट करो। कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक बात जान लो कि अगर किसी व्यक्ति को डिस्पजेस्ड कर दिया गया है या कोई भी व्यक्ति
किसी भी ग्राउंड पे, फॉर एग्जांपल ओनरशिप के ग्राउंड पे, अगर वो इंटाइटल्ड है किसी इम्यूअल प्रॉपर्टी को ऑप्टेन करने के रिस्पेक्ट में, प्राप्त करने के रिस्पेक्ट में, तो वो फिर प्रोसीड करेगा किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, तो वो होगा सिविल प्रोसीजर कोड। तो यहाँ सीधा सीधी कह रहा है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को स्पेसिफिकली रिकवर करना है तो वो पॉसिबल है एज पर द प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड में दिए गए मैनर के अकॉर्डिंग ही होगा, ये बात कह रहा है सेक्शन 5। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहते हैं कि मान लो कि ए नाम का व्यक्ति है, वो किसी ज़मीन का मालिक है, ये लैंड है और इस ज़मीन का ए मालिक है, लेकिन इसके पास ये ज़मीन है नहीं, इसके पोजीशन में नहीं, किसी और व्यक्ति के पोजीशन में है, फॉर एग्जांपल कि बी के पोजीशन में है। तो अब सवाल उठता है कि किसी ना किसी लॉ के अकॉर्डिंग ही नहीं ये इस बी से इस लैंड के पोजीशन को प्राप्त करेगा, अनलॉफुली तो कर नहीं सकता है, तो वो लॉ होगा कौन? वो लॉ होगा सीपीसी। सीपीसी के अकॉर्डिंग ये सूट फाइल करेगा फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सूट दर्ज हुआ, सूट दर्ज होने के बाद डिफेंडेंट को समन जाएगा, समन पे नहीं अगर ये रिस्पॉन्ड करता है तो उसके खिलाफ फिर अटैचमेंट का प्रक्रिया है, जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो फॉलो किए जाएंगे, एक्स पार्टे प्रोसीडिंग का प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा। तो सीपीसी के अकॉर्डिंग जो भी प्रक्रिया है वही लागू होगा इस ए को अगर इस लैंड का पोजीशन चाहिए तो। ये बात जान लो, यहाँ पे वो व्यक्ति लैंड का पोजीशन ओनरशिप के ग्राउंड पे भी मांग सकता है, क्योंकि इसलिए मैंने ओनरशिप का नाम ले लिया कि आगे देखो क्या होता है। सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 6 को देखते हैं। तो सेक्शन 6 कहता है कि सूट बाय पर्सन डिसपजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, सेक्शन 6 में याद रखना कि जिस व्यक्ति को डिसपजेस्ड किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी से वो, अच्छा इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, तो इसको हम लोग सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग टीपी एक्ट का समझते हैं, है ना, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे याद रखना कि सेक्शन 6 का जब हम बात कर रहे हैं या 5 का ही बात करो, तो यहाँ पे मूल बात क्या आ रहा है कि 6 में व्यक्ति को डिसपजेस किया गया है, 6 के अकॉर्डिंग व्यक्ति को डिसपजेस्ड किया गया है और वो तब जा रहा है अपने उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन को रिस्टोर करवाने के लिए। लेकिन यहाँ 5 में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति इंटाइटल्ड हो वो डिसपजेस्ड भी हो अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, याद रखना ये बात याद रखना। तो 6 क्या कहता है, आइए देखते हैं, सूट बाय पर्सन डिसपजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति डिसपजेस्ड हुआ विदाउट कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज दैन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। एक बात जान लो, ए नाम का व्यक्ति है, अब ये किसी भी ग्राउंड पे किसी भी पोजिशन पे इसने कोई लैंड को होल्ड करके रखा था और ये लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है। और बी नाम का व्यक्ति क्या किया, उसको ए को जबरदस्ती ऐसे बाय फोर्स और बिना ए के सहमति के, विदाउट कंसेंट, बिना ए के सहमति के उससे ये जमीन अपने पोजीशन में ले लिया बी। तो अब सवाल उठता है कि इस प्रॉपर्टी दैट इज लैंड, उसके पोजीशन को ए रिस्टोर कैसे करेगा। तो उसके लिए सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग वो पिटीशन फाइल कर सकता है। तो यहां पे कह रहा है ए ही नहीं, ए अगर मर भी गया तो ए के बिहाफ पे उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, दोनों रिप्रेजेंटेटिव, अगर ए जिंदा है तो वो, नहीं तो वो अगर मर गया तो फिर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, हियर रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड लीगल एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एज वेल,
लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है अगर ए है तो उसका बेटा है ना, और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट होता है कि अगर मान लो ए जो है एजेंट है और उसने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में प्रॉपर्टी को अपने पोजिशन में रखा था तो उसका प्रिंसिपल है ना। तो ये बेसिक अंतर भी बता दिया आप लोगों को। तो ए या तो उसका रिप्रेजेंटेटिव बी के खिलाफ सूट दायर करेगा सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग और पोजेशन का मांग करेगा, बी को बोला जाएगा, कोर्ट को बोलेगा कि बी मेरे इमूल प्रॉपर्टी को वापस कर दे, मेरे पोजेशन को सौंप दे, क्योंकि उसने मेरे बिना कंसेंट के बलपूर्वक लॉ के अनुसार नहीं मुझसे पोजेशन लिया है। अब देखो यहां पर याद रखना कि ए सिर्फ पोजेशन अगर उसको चाहिए तो उसको कोई और टाइटल कोई और इंटरेस्ट का जिक्र करने का जरूरत नहीं है, है ना। नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट ही मे सेट अप इन सच सूट, कोई जरूरी नहीं है यहाँ जैसा कि आपको हम पहले बोले थे कि सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग सूट दायर करने के लिए सूट के मेंटेनेबिलिटी के लिए एक कंडीशन जरूरी है, ए के पोजेशन प्रॉपर्टी था उसको अनलॉफुल्ली विदाउट हिज कंसेंट डिसपजेस्ड किया गया, दैट इज इनफ। कोई जरूरी नहीं है कि ए उस प्रॉपर्टी का मालिक हो, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो ओनर हो, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, इसके पोजेशन में था और इसको जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से डिसपजेस्ड किया गया है। अब यहां एक बात याद रखो, सब सेक्शन 2 में हम चलते हैं, ये तो 1 था, जब हम लोग 2 में चलते हैं तो 2 देखो क्या कहता है कि कोई भी सूट नहीं दर्ज किया सकता है नहीं लाया जा सकता है जिस डेट को ए को डिसपजेस किया गया था उस डेट से 6 महीने के बाद कोई भी सूट दायर नहीं होगा, है ना। उसके बाद दूसरा कहता है अगर यहाँ पे बी नहीं होता, गवर्नमेंट होती सेंट्रल या फिर स्टेट, और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे ए को उसके इमूल प्रॉपर्टी से उसको डिसपजेस्ट किया जाता तो फिर ए इस गवर्नमेंट के खिलाफ भी सूट दायर नहीं कर सकता था सेक्शन 60 अकॉर्डिंग फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। और उसके बाद सबसेक्शन 3 क्या कहता है, सबसेक्शन 3 कहता है कि कोई भी अगर ऑर्डर पास हुआ, कोई भी डिक्री पास हुआ इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ उसमें, तो उस डिक्री ऑर्डर से कोई अपील नहीं हो सकता है। हालांकि सबसेक्शन 4 आपको बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि इस ए का सूट मेंटेनेबल है नहीं सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने टाइटल को एस्टैब्लिश करके वो प्रॉपर्टी रिकवर नहीं कर सकता है। जी हाँ, अगर वो मान लो कि ओनर है उस प्रॉपर्टी का और अपने ओनरशिप के टाइटल को वो अगर साबित कर दे बिफोर सिविल कोर्ट, तो इस तरीके से भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को खुद का रिकवर कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, समझ लो थोड़ा डिटेल में इसको, कि अगर मान लो कि ए को याद आया 1 साल के बाद कि मेरा प्रॉपर्टी तो मुझसे बी ने छीन लिया जबरदस्ती विदाउट माय कंसेंट एंड अनलॉफुली, 1 साल के बाद वो चाहता है सूट दर्ज करना अपने प्रॉपर्टी के पोजिशन को रिकवर करना, सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग तो कर नहीं पाएगा, तब उसके पास क्या एक रेमेडी है कि वो अपना टाइटल को एस्टैब्लिश करे बिफोर सिविल कोर्ट, सूट फॉर टाइटल दर्ज इंस्टीट्यूट करेगा, और उसके बाद अगर अपने ओनरशिप को एस्टैब्लिश कर दिया तो फिर वो इस आधार पे भी बी से अपने प्रॉपर्टी के पोजीशन को इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन को रिकवर कर सकता है। ये हो गया सेक्शन 6। आइए कुछ देखें इंपॉर्टेंट जो है वो भी बता दें, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं हम आप लोगों के लिए, है ना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखो केस लॉ, केस लॉ बहुत ज़रूरी होता है और मैं आपको केस लॉ बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट केस लॉ जो आ रहा है नज़र में वो है पहला महावीर प्रसाद जैन का, महावीर प्रसाद जैन वर्सेस गंगा सिंह का केस लॉ, नाम लिखिए पहले, महावीर प्रसाद जैन वर्सेस गंगा सिंह का। देखो कोर पॉइंट हम बताएंगे आपको, पूरा डिटेल बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मूल बात क्या था इसमें बोला गया कि प्लेंटिफ शुड कम टू द कोर्ट विथ क्लीन हैंड, प्लेंटिफ शुड कम इन कोर्ट फिट
क्लीन हैंड। ऐसा नहीं है, बात समझना, इसका मूल बात बता देते हैं कि अगर कहीं ना कहीं प्लेंटिफ में ही कोई डिफॉल्ट है तो फिर अगर वो सेक्शन 6 का पिटीशन फाइल करता है अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन को रिकवर करने के लिए और कहीं ना कहीं इस बात के लिए प्लेंटिफ जिम्मेवार है तो वो उसका सूट मेंटेनेबल नहीं होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट केस जो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, सुखजीत सिंह वर्सेस कौन है, सिराजू निशा। इस केस में बोला गया पोजीशन वॉलंटरली ट्रांसफर्ड नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 6। पोजीशन वॉलंटरली ट्रांसफर्ड नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 6। अगर प्लेंटिफ स्वेच्छा से इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन बी को सौंप दे रहा है, दैट इज डिफेंडेंट को, तो फिर क्या वो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी सूट पिटीशन फाइल कर सकता है, नहीं कर सकता है। देखो यही दो इंपॉर्टेंट केस था जो आपको जानना था। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं हम लोग, जितना इंपॉर्टेंट होगा ना हम सब बताएंगे आपको, ताकि आपका एक ही वीडियो में सब बात हो जाए, प्री मेन सब कुछ। अब सेक्शन 7 रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, सिंपल है। सेक्शन 7 का अगर बात करें हम लोग, इसको टॉट में क्या कहते हैं, डिटेन्यू, सूट फॉर डिटेन्यू होता है ये। सेक्शन 7 में क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी के रिस्पेक्ट में प्रोविजन दिया गया है। तो भैया सीधा सिंपल सरल है, सेक्शन 5 में इमूवेबल प्रॉपर्टी था, 7 में मूवेबल है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी को भी अगर रिकवर्ड किया जाना है तो किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा, वो प्रक्रिया कहाँ दिया गया है, वो प्रक्रिया सिविल प्रोसीजर कोड में ही दिया गया है और सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग ही होगा, है ना। एक एग्जांपल देखो, ऑर्डर 20 रूल 12, वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि सूट में जो जजमेंट पास डिक्री पास होता है विद रिस्पेक्ट टू द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मेरा मूल बात यही कहना है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करना है तो वो सीपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही होगा, सूट दर्ज होना, सूट दर्ज हो गया तो उसके बाद का जो समन जाता है वो प्लेंटिफ, माफ कीजिए, डिफेंडेंट अगर नहीं आया तो फिर एक्सपार्टे प्रोसीडिंग, आ गया तो फिर कार्रवाई, फर्स्ट हियरिंग पे केस डिस्पोज हो सकता तो होगा, तो जो प्रक्रिया दिया गया है सीपीसी में वही उसके अकॉर्डिंग ही ये होगा रिकवर मूवेबल प्रॉपर्टी भी, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें इतना ही जान लो, बहुत है। अब देखो यहाँ पे, अब मुद्दे पे आते हैं इम्पोर्टेंट, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए सेक्शन 7 के बाद, सेक्शन 7 से जुड़ा हुआ कोई इम्पोर्टेंट केस नहीं है, सेक्शन 7 से जुड़ा हुआ कोई इम्पोर्टेंट केस नहीं है। अच्छे, जैसा कि आपको बोले थे ना कि मूवेबल प्रॉपर्टी का जो रिकवरी का बात हम लोग कर रहे थे, जजमेंट जो पास होता है डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल, वो लिख लो इसको पहले आप लोग। ऑर्डर 20 रूल कौन सा है भाई, तो रूल 10 है ना, रूल 10 है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 8 इम्पॉर्टेंट है, 8 को थोड़ा समझना इम्पॉर्टेंट है। आइए देखिए 8 क्या कहता है, सेक्शन 8, अगर बात करें सेक्शन 8 का, तो यहां पे देखो क्या है, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजिशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल टू इमीडिएट पोजिशन। देखो अब यहां पे बात समझना, एक प्रॉपर्टी है और यहां पे जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का नेचर बता दिया, या तो वो कोई आर्टिकल, कोई वस्तु है, या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है,
है ना, या तो कोई वस्तु या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है वो, और ये प्रॉपर्टी मान लो ए के पास है, किसके पोजिशन में है, ए के पोजिशन में है, जबकि ए इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, नॉट ओनर, ए इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है लेकिन उसके पोजिशन में है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को बी नाम का व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो तुरंत इस प्रॉपर्टी के पोजिशन पे जा सकता है, मतलब इस प्रॉपर्टी के पोजिशन पे हक इस बी का है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये प्रॉपर्टी किसके पास है, ए के पास है, जो कि उसका मालिक भी नहीं है। और मान लो कि ए, मान लो कि बी मालिक है, तो मालिकाना हक के आधार पे ये प्रॉपर्टी याद रखना, कोई वस्तु या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसका पोजिशन के लिए अधिकृत है बी। तो अब सवाल उठता है कि क्या लाइबिलिटी है इस ए का, क्या इस ए को इस प्रॉपर्टी के पोजिशन को वापस कर देना है क्या बी को। तो यहाँ कहता है एनी पर्सन हैविंग द पोजिशन और कंट्रोल ऑफ अ पार्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज नॉट द ओनर, जो कि जिस प्रॉपर्टी का पोजिशन जिसके पास है वो उसका ओनर है नहीं, तो इसको कंपेल किया सकता है, तो इसको क्या बी कंपेल कर सकता है किस बात के लिए, स्पेसिफिकली टू डिलीवर इट टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू इट्स इमीडिएट पोजिशन। तो इस मूवेबल प्रॉपर्टी का इमीडिएट पोजिशन के लिए हकदार कौन है, बी है। जब बी है तो बी ए को स्पेसिफिकली कंपेल कर सकता है, पोजिशन को रिस्टोर करने के लिए कर सकता है। तो इसके लिए बी को क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग पिटिशन या कह सकते हो कि सूट फाइल करनी पड़ेगी। अब देखो यहां पे एक बात याद रखना, ये सभी मामलों में नहीं अप्लाई होगा, ये कुछ मामलों में ही बी जो है ए को कंपेल कर सकता है। वो मामला क्या है देखो, यहां पे कहता है व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिव, तभी इसको कर सकता है कंपेल रिस्टोर करने के लिए पोजिशन को, जब ये ए सूट कौन दर्ज किया, सूट कौन इंस्टीट्यूट करवा रहा है, ये है बी। तो ये हो गया प्लेंटिव, और जिसके खिलाफ हो रहा है वो हो गया डिफेंडेंट। अब देखो ये हर मामलों में नहीं होगा, कंपेल हर मामले में बी ए को कंपेल करे नहीं, कब हो सकता है, तो पहला जब ये डिफेंडेंट प्लेंटिफ का एजेंट हो या ट्रस्टी हो, तभी ये होगा लागू, तभी बी ए को कंपेल कर सकता है स्पेसिफिकली रिस्टोर करने के लिए पोजिशन जो उसके पास है मूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसका वो मालिक भी नहीं है। या फिर कहता है व्हेन कॉम्पनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ। अब देखो पोजिशन नहीं मिलने से, पोजिशन अगर ए बी को नहीं रिस्टोर करेगा, उससे जो लॉस हो रहा है बी को, उसका भरपाई पैसों से नहीं किया सकता है बी को, प्लेंटिफ को। तीसरा कहता है कि ये पॉसिबल तभी है पोजिशन रिस्टोरेशन बाय द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज कॉज बाय लॉस। ए के पोजिशन नहीं सौंपने से बी को कितना लॉस होगा, इस बात को कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में बी दैट इज प्लेंटिफ, ए दैट इज डिफेंडेंट, उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स कंपेल करेगा कि वो भैया मूवेबल प्रॉपर्टी को वापस कर दे, पोजिशन सौंप दे। और डी कहता है व्हेन पोजिशन ऑफ थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ, या फिर अगर प्लेंटिफ से ये मूवेबल प्रॉपर्टी गलत तरीके से डिफेंडेंट दैट इज ए के पास पहुंच गया है, तो इन चारों सिचुएशन में ही ये प्लेंटिफ एज पर सेक्शन 8 ए को स्पेसिफिकली कंपेल कर सकता है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास है पोजिशन में है, जो उसका मालिक भी नहीं है, उसको भैया वापस कर दो मुझे, प्लेंटिफ बी को। तो ये था सेक्शन 8। अब हम कुछ देखें इंपॉर्टेंट केस क्या आपके लिए है, जो जानना आपको जरूरी है तो वो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज अगर कोई जरूरी नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा बता कर? नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें।
चैप्टर टू आपका कंप्लीट हो गया, ये सेक्शन एट तक चैप्टर टू आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सेक्शन नाइन से, चैप्टर थ्री से। क्या कहता है सेक्शन नाइन से शुरू होता है? सेक्शन नाइन के बातों को पढ़ के आप नहीं समझोगे, आपको हम इलस्ट्रेशन देते हैं उससे समझ आ जाएगा। डिफेंस रिस्पेक्टिंग सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इसका अर्थ ये हुआ, देखो अगर मान लो ए है और बी है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इस कॉन्ट्रैक्ट को मान लो कि बी ने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब बी ने जो प्रॉमिस किया था ए को उसने फुलफिल नहीं किया, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए बी अगर ए को कॉम्पनसेट कर भी देगा तो इससे पूरा रेमेडी ए को नहीं हो सकता है। या फिर ऐसा भी है कि आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए दो चीज़ें जरूरी होती है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच हो रहा है उसको आप कॉम्पनसेशन के थ्रू सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, या कितना डैमेज हो रहा है इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसी नेचर का है। तो अब यहाँ पे ए क्या करेगा, जायज बात है कि ए बी के खिलाफ सूट लाएगा फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। अब देखो ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट इंस्टीट्यूट हुआ है किसके अगेंस्ट हुआ है, बी के अगेंस्ट हुआ है। करने वाला व्यक्ति कौन है, प्लेंटिफ है, करने वाला व्यक्ति प्लेंटिफ है। ए कौन है, प्लेंटिफ है, जो सूट जाता है वो प्लेंटिफ कर, जिसके खिलाफ लाया गया वो डिफेंडेंट। अब ये डिफेंडेंट है तो इसके पास कुछ रेमेडी है इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट के अगेंस्ट, क्या इसके पास कोई रेमेडी है? जी हाँ है, देखो इसके पास हर वो रेमेडी है जो कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देता है। जैसे अगर भी ये बोले हम दोनों के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये बात सही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ए ने मेरे से जो कंसेंट लिया था वो लिया था बाय कोअर्शन, बाय कोअर्शन, है ना, तो कंसेंट मेरा फ्री नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कंसेंट फ्री नहीं है, तो ये भी कहना चाह रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वॉइडेबल इन नेचर है, है ना, बात समझ में आ रही है। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस सब्जेक्ट मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और जिस टाइम हुआ था उस वक्त मुझे कोई जानकारी ही नहीं थी, मुझे कोई फैक्ट के तथ्य से रूबरू नहीं कराया गया और मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करा लिया गया। तो यहाँ पे इन आधारों पे दो बात समझो, ये कॉन्ट्रैक्ट के होने पे सवाल चिन्ह खड़ा कर रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के होने पे सवाल चिन्ह खड़ा कर रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये अपने बिहाफ पे डिफेंस ले रहा है। डिफेंस ले रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो जो सूट उसके खिलाफ इंस्टीट्यूट हुआ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, ताकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, हुआ तो सही ही नहीं था, इस बात पे अगर वो कोर्ट को मना लेता है, ऐसा वो कर सकता, मना लिया तो फिर जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है वॉइडेबल है तो या वॉइड है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा। तो ये जो रेमेडी अवेलेबल डिफेंडेंट को कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, वो हर रेमेडी को अवेल कर सकता है डिफेंडेंट अगेंस्ट द सूट रिस्पेक्टिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और ये पावर डिफेंडेंट को बी को सेक्शन नाइन दे रहा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। बात समझ में आया? अब देखो बात करते हैं सेक्शन टेन, सेक्शन टेन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन टेन क्या कहता है, सेक्शन टेन कहता है केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, किन किन मामलों में जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट का वो इन्फोर्स्ड हो सकता है। तो पहला देखो, जैसा कि आपको बता दिए कि हर उस मामले में जहां पे जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है ना, आप तय नहीं कर पाओगे कि कितना डैमेज हुआ है, है ना, या फिर मुआवजा दे के उस ब्रीच को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड करने का निर्देश दिया जाता है। अब एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो ब्रीच जो अगर होता है तो वो उसका कॉम्पनसेशन देके उसको रेमेडी सेटिस्फाइड नहीं किया सकता प्लेंटिफ को, या ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका ब्रीच अगर हुआ तो डैमेज कितना हो रहा है कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ये बात भी बता दिया गया है। देखो एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है
कि जब तक कॉन्ट्ररी साबित ना हो जाए कोर्ट यही मान के चलेगा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में, और कॉन्ट्रैक्ट किस पॉइंट पे था कि ए को ट्रांसफर करना था बी को, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या ट्रांसफर करना था ए को, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना था बी को ट्रांसफर करना था। अब यहां देखो, अगर ए ने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया तो कोर्ट यही मान के चलेगी कि भैया इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए अगर बी को कॉम्पनसेशन दे दिया जाएगा तो इससे बी को पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा, प्रॉपर रेमेडी नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स स्पेसिफिकली करके ही बी को प्रॉपर रेमेडी दी जा सकती है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो मामला है बन जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो जाएगा। उसी तरीके से देखो कहता है, फिर यहाँ देखो क्या कहता है, दैट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी सो रिलीव्ड एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस। देखो यहाँ पे दूसरी बात कह दिया कि अगर मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किस बात को लेके, कि ए बी को सेल करना चाहता है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, सेल मीन्स टू से ट्रांसफर करना चाहता है। तो अगर इस मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के जो कॉन्ट्रैक्ट को अगर ए ब्रीच करेगा तो कोर्ट यही मान के चलेगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर ब्रीच किया गया है तो ए इसका पर्याप्त मुआवजा बी को दे सकता है और इससे बी को प्रॉपर रेमेडी भी मिल सकती है। और साथ ही साथ कोर्ट को ऐसा भी लग सकता है कि जो भी ये इस प्रकार का जिसका संबंध मूवेबल प्रॉपर्टी से है, अगर इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता भी है तो एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोर्ट कैलकुलेट कर सकती है। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करने का निर्णय नहीं दिया जाएगा या नहीं इन्फोर्स होता है इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली। लेकिन इस मुद्दे पे कुछ अपवाद भी हैं, इस मुद्दे पे इस पॉइंट पे कुछ एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन क्या है, देखो कहता है कि मान लो अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो नेचर है वो आम नहीं है, ये ऑर्डिनरी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये आसानी से मिलने वाला प्रॉपर्टी नहीं जो आसानी से मार्केट में मिल जाए, है ना, और या फिर इस मूवेबल प्रॉपर्टी में प्लेंटिव का कोई स्पेशल वैल्यू है या स्पेशल इंटरेस्ट है, निहित है ना। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट जो मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से जुड़े हुए भी हैं, अगर ब्रीज्ड हुआ तो पार्टी जो ब्रीज कर रहा है वो मुआवजा देके प्लेंटिव को अदर पार्टी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, उसको वही मूवेबल डिलीवर करना पड़ेगा, ये अपवाद है। या फिर अगर कहता है बी नंबर पॉइंट कि वेयर द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में फॉर द मूवेबल प्रॉपर्टी और उसमें डिफेंडेंट जो है प्रॉपर्टी को अपने पास रखा हुआ है एज अ एजेंट और ट्रस्टी के तौर पे, प्लेंटिव का एजेंट या ट्रस्टी के तौर पे डिफेंडेंट अपने पास प्लेंटिव के प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी को रखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे प्लेंटिव उस डिफेंडेंट को जो उसका एजेंट हो सकता है या ट्रस्टी हो सकता है उसको बोल सकता है कि नहीं हमको कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, हमको वो प्रॉपर्टी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए। तो यहाँ पे फिर ए बाध्य हो जाएगा उस मूवेबल प्रॉपर्टी को वापस करने के लिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड हो सकता है। तो ये था दो अपवाद, ये भी याद रखिएगा, सेक्शन 10 तक ही रहने देते हैं क्योंकि आपको पता है कि तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है लेकिन फिर भी ठीक हो रही है, लेकिन हम रुकते नहीं आप लोगों के लिए, इसलिए सेक्शन 10 तक ही रहने देते हैं। इस क्रम में मैं आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंप्लीट करवा दूंगा, निश्चिंत रहो। मजा आया, बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अनअकैडमी फॉलो नहीं की हो तो जल्द से जल्द कर लेना, क्योंकि मेरा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और मेरा स्पेशल क्लास फ्रीली एक्सेस हो सकता है आपको अगर आप कोड अप्लाई करोगे लॉ इज लाइफ। थैंक यू सो मच, बने रहने के लिए।